नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 9 जुलाई 2018 से 15 जुलाई 2018 तक की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स UP SSSC वीडियो, रेलवे ग्रुप डी, ALP, RPF, SSC इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो पूरे पूरे हफ्ते में जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ उसका आज यानी कि टेस्ट लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको बता, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा आपसे जो भी डाउट है, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं अनअकैडमी पर, ठीक है दोस्तों, मैसेज कर। और मेरे द्वारा अनअकैडमी पर अपलोड किए गए कोर्सेज़ का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर 25 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, सबसे ताकतवर पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, और इनकी जो बेटी हैं वो हैं आपकी इवांका ट्रंप, जो पिछले साल भारत दौरे पर आई थी। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आपके रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे? मैंने आपको पहले ही बताया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत क्यों आए थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम है मून जेई इन, जो आपके भारत आए हुए थे क्योंकि सैमसंग की जो सैमसंग कंपनी है मोबाइल निर्माण की, उसने भारत के नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण फैक्ट्री खोली। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन भी आए थे, क्योंकि सैमसंग जो कंपनी है वो आपकी दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट सेक्रेटरी का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, उनका जो नाम है वो है आपका डेविड। जी हाँ दोस्तों, डेविड जो है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में डब्ल्यू सॉरी निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ICWA का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है CTCA राघवन। जी हाँ दोस्तों, TCA राघवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है C. नरसिम्हा रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नरसिम्हा रेड्डी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, उनका जो नाम है वह है आपका जोस एलाडियो। जी हाँ दोस्तों, जोस एलाडियो को हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं आरंभ की? उस कंपनी का नाम है BSNL। जी हाँ दोस्तों, BSNL कंपनी ने हाल ही में भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट की आज़ादी से संबंधित किस सेवा को भारत में आरंभ किए जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों, उस सेवा का नाम है नेट न्यूट्रलिटी। जी हाँ दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी सेवा को भारत में आरंभ किए जाने के लिए मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से कौन से स्थान पर आती है? चौथे, पांचवे, छठे या सातवें? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है C. छठे स्थान पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस स्थान पर MSME के लिए भारत कोरिया टेक्नोलॉजी एक्सचेंज केंद्र की स्थापना की गई? नागपुर, बेंगलोर, नई दिल्ली या चेन्नई? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है C. नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में स्थित
ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की गई? पाकिस्तान, ईरान, सीरिया या अफगानिस्तान? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने लॉन्ग मार्च 2C प्रक्षेपण स्थल से पाकिस्तान के लिए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 समेत दो पाकिस्तानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? दोस्तों उस देश का नाम है चीन। चीन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर में सब्सिडी वाले जमीन पर बने निजी अस्पतालों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मुफ्त इलाज करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, दिल्ली। आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए? दोस्तों उनका नाम है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और देख लीजिए दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम से ऐड होते हैं तो आप ही का इसमें प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण भी दिया होता है। इसलिए अगर आप टेलीग्राम से ऐड हो जाएंगे तो मैं वहां पर आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।